सोलन के चंबा घाट स्थित शमशान घाट का कार्य प्रगति पर है और इसके जीर्णोद्धार के लिए करीब 2 करोड़ की लागत आएगी। ये जानकारी शमशान घाट में जीर्णोद्धार का कार्य करवा रही समाज सेवी संस्था के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। संस्था के उप प्रधान राजीव गुप्ता ने बताया कि इस संस्था द्वारा अभी तक शमशान घाट में 60 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है, जिसमें सरकार, स्थानीय मंत्री, विधायक एवं सोलन की जनता का सहयोग है। उन्होंने बताया कि शमशान घाट में पार्किंग, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, विद्युत से दाह संस्कार करने वाली मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके जीर्णोद्धार को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने लोगों से इस कार्य को पूर्ण रूप से हर संभव सहायता करने की अपील भी की। वैश्वा सोलन द्वारा सोलन के शमशान घाट का कार्य जीर्णोद्धार का किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारा 2 करोड़ रूपये का खर्चा आएगा। इसमें हमें लगभग 60 लाख रुपए सरकार से, स्थानीय मंत्री से, विधायक से और पब्लिक से मिले हैं और इस काम को हम लगभग 1 साल में पूरा कर देंगे। इसमें मूलभूत से हमारा जो है बैठने का स्थान, शौचालय, पार्किंग, चिताओं का जो जलाने की जगह है उसको बड़ा किया जाएगा और उसको बहुत आधुनिक ढंग से बनाया जाएगा।